नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में तबाही मचा रखी है। इसी तबाही से लोगों के बीच निराशा का माहौल बना हुआ है। हालांकि इस निराशा भरे माहौल में भी ऐसे कई किस्से और लोगों के अनुभव मिल जाते हैं जो दूसरों में उत्साह और हिम्मत भर देते हैं। ऐसा ही कुछ दिल्ली के अस्पताल में भर्ती 30 साल की लड़की ने किया था। वह निराशा से तो जीत गई, पर अफसोस की बात है कि मौत से हार गई। दिल्ली के एक अस्पताल में तैनात डॉक्टर मोनिका लंघे ने शनिवार 8 मई को एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें 30 साल की एक लड़की लव यू जिंदगी गाने पर झूमती हुई दिखाई दे रही है। बावजूद इसके वह NIV सपोर्ट पर थी। डॉक्टर मोनिका लंघे ने अपने ट्विटर पर लिखा, मैं बहुत दुखी हूँ, हमने इस ब्रेव सोल को खो दिया, प्लीज परिवार और बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, वह इस नुकसान को सह सके। आइए दिखाते हैं उसका पहले वो वीडियो। आठ मई को वीडियो शेयर करते हुए डॉक्टर मोनिका ने लिखा, यह लड़की सिर्फ 30 साल की है, हालत गंभीर थी, मगर ICU नहीं मिला तो हमने कोविड इमरजेंसी में इसका इलाज शुरू किया। पिछले 10 दिनों से इसका इलाज चल रहा है और यह NIV सपोर्ट पर है। रेमडेसिविर दिया जा चुका है, प्लाज्मा थेरेपी भी हो चुकी है। लड़की की इच्छा शक्ति बेहद मजबूत है। आज मुझसे एक गाना चलाने की गुजारिश की, जिसे मैंने मान लिया। हालांकि 10 मई को डॉक्टर मोनिका ने ट्वीट करके बताया था कि लड़की को ICU बेड मिल गया है, लेकिन उसकी हालत स्थिर नहीं है, प्लीज इस बहादुर लड़की के लिए प्रार्थना कीजिए। डॉक्टर मोनिका लंघे ने 13 मई की रात को करीब 9:30 बजे जब इस बहादुर लड़की की मौत की दुखद सूचना दी तो लोगों की आंखें नम हो गई। डॉक्टर मोनिका लंघे के ट्वीट के कमेंट बॉक्स में लोगों ने अपना दुखद व्यक्त किया और इस बहादुर लड़की की आत्मा को शांति मिले ऐसी प्रार्थना की। कुछ लोगों ने कहा, कई बार ऊपर वाले से भी उम्मीद टूट जाती है।